आज हम लोग नेटवर्क एन लाइन के फोर पोर्ट नेटवर्क के बारे में जानेंगे जिस तरह से हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क को देखा जिसमें कि एच पैरामीटर वाई पैरामीटर और ए बी सी और एच पैरामीटर को कैलकुलेट किया सिमिलरली हम लोग यहाँ पर फोर पोर्ट नेटवर्क देखेंगे जहाँ पर पोर्ट नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो होंगे वो फोर होंगे तो चार पोर्ट्स होंगे और यहाँ पर इस पोर्ट में हम एस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग जानेंगे एस पैरामीटर स्केटरिंग पैरामीटर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ फोर पोर्ट नेटवर्क जहाँ की इंसिडेंट वेव होंगे और रिफ्लेक्टिव वे होंगे मतलब इंसिडेंट यहाँ पे सिग्नल होगा और रिफ्लेक्टेड सिग्नल होगा इनके कॉम्बिनेशन से जो फोर पोर्ट बनेंगे हमारे वो फोर्ट पोर्ट से हम लोग एस्केटरिंग पैरामीटर एस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर फोर पोर्ट नेटवर्क स्केटरिंग पैरामीटर तो कुछ बेसिक्स हैं फोर पोर्ट नेटवर्क के वो हम लोग देखेंगे स्केटरिंग पैरामीटर्स और एस पैरामीटर द एलिमेंट ऑफ आस्केटरिंग मैट्रिक्स एस मैट्रिक्स डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ़ द लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो एस पैरामीटर है एस्केट्रिक पैरामीटर है फोर पोर्ट नेटवर्क्स के वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताता है किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का द पैरामीटर्स आर यूजफुल फॉर द सेवरल ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस पैरामीटर को यूज किया जाता है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन एंड स्पेशली फॉर द माइक्रोवेव इंजीनियरिंग क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे भी अच्छे से काम करता है तो एस पैरामीटर आर मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ ए सिमिलर पैरामीटर्स अदर एग्जाम्पल बिंग वाई पैरामीटर्स जेड पैरामीटर एच पैरामीटर्स टी पैरामीटर्स और ए बी सी पैरामीटर जिस तरह से हम लोगों ने टू पोर्ट नेटवर्क में कैलकुलेट किया वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर और एच पैरामीटर ए बी सी पैरामीटर को सिमिलरली हम लोग फोर पोर्ट नेटवर्क में नेटवर्क में एस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे और ये एक तरह से फैमिली मेंबर है इस तरह के पोर्ट नेटवर्क का द डिफर फ्राम द इन देंस ऑफ एस पैरामीटर डो नॉट यूज़ ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन जिस तरह से हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क में ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन यूज़ करते थे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए लेकिन एस पैरामीटर में ऐसा नहीं होता है यहाँ पर हम ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन को रियलाइज नहीं करते हैं यहाँ पर जो यूज होता है वो यूज होता है कॉन्सेप्ट मैच लोड आर यूज जो पोर्ट पर लोड्स लगे होते हैं वो मैच लोड्स को यूज किया जाता है दिस टर्मिनेशन आर मच ईजियर टू यूज एट हाई सिग्नल फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ पर मैच लोड यूज किया जाता है इसे कैलकुलेट करने के लिए एस पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए ये ज़्यादा आसान है एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एनालाइज करने के लिए रेदर देन कंपेरेटिवली ओपन और शॉर्ट सर्किट टर्मिनेशन के कंपेयर में यहाँ पर हम लोग मैच लोड कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं लीनियर फोर पोर्ट नेटवर्क तो यहाँ पे आप फोर पोर्ट नेटवर्क दे सकते हैं ये हमारे पास चार पोर्ट बने होंगे पोर्ट नंबर वन पोर्ट टू पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर हर पोर्ट पे दो सिग्नल आपको दिखेंगे एक हुआ इंसिडेंट सिग्नल जिसे ए वन ए से जो डिनोट किया गया है वो इंसिडेंट सिग्नल होगा और बी से जो डिनोट किया गया है वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल या वेव होगा तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वन हमारा पोर्ट वन में और बी टू बी वन जो हमारा पोर्ट वन का तो इसका मतलब पोर्ट वन में जो दो सिग्नल होंगे ए वन बी वन सिमिलरली बी पोर्ट टू में ए टू और बी टू ए टू इंसीडेंट होंगे और बी टू रिफ्लेक्टेड सिग्नल होंगे पोर्ट थ्री में ए थ्री जो है वो इंसिडेंट सिग्नल होगा और बी थ्री जो होगा वो रिफ्लेक्टेड होगा सिमिलरली फोर की बात करें पोर्ट फोर में यहाँ भी आप ए फोर और बी फोर देख सकते हैं तो ये फोर पोर्ट नेटवर्क से और ये फोर पोर्ट नेटवर्क से हम लोग स्केटरिंग पैरामीटर मैट्रिक्स स्केटरिंग मैट्रिक्स देखेंगे कि किस तरह से एस पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फोर पोर्ट नेटवर्क जहाँ पर आपके इंसिडेंट सिग्नल होंगे और रिफ्लेक्टेड सिग्नल के कॉम्बिनेशन के साथ ये स्केटरिंग पैरामीटर्स बनते हैं तो चलिए देखते हैं आगे तो इस तरह से देखिए एस पैरामीटर मैट्रिक्स के फॉर्म में यदि लिखा जाए तो बी बी जो हमारे रिफ्लेक्टेड वे भी एस सिग्नल थे तो हम लिख सकते हैं यहाँ बी इक्वल टू एस एस पैरामीटर इनटू ए जो इंसिडेंट हमारा सिग्नल था वो तो यहाँ बी इक्वल टू एस इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे बी जो बी के साथ जो एलिमेंट्स थे बी वन बी टू बी थ्री बी फोर इस तरह से एन नंबर ऑफ टाइम जा सकते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर फोर पोर्ट है इसीलिए यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करेंगे बी वन बी टू बी थ्री और बी फोर सिमिलरली एस वो फोर टर्म एस वन वन से लेकर के एस फोर फोर तक जाएंगे हम और ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तक हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स फॉर्म में हम यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट कंपोनेंट एस पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए यदि मैं पोर्ट वन की बात करूं पोर्ट वन की बात करूं तो यहां पर देखिए आप इंसिडेंट सिग्नल ए वन है और रिफ्लेक्टेड बी वन है और यदि एस वन वन कैलकुलेट किया जाए तो एस वन वन कैलकुलेट कर सकते हैं हम किस तरह से तो इसे ध्यान रखना होगा कि स्केटिंग पैरामीटर्स जो काउंट जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो किए हैं रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिफ्लेक्टेड सिग्नल रिफ्लेक्टेड सिग्नल बाय जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल बाई इंसीडेंट सिग्नल ठीक है जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होंगे रिफ्लेक्टेड सिग्नल होंगे बाई इंसीडेंट सिग्नल जैसे कि यदि मैं एस वन वन की बात करूँ तो आप बोल सकते हैं पोर्ट वन के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे पास होगा बी वन जो रिफ्लेक्टेड बाई इंसीडेंट ए वन और यहाँ से हम बी वन ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बी वन इक्वल टू एस वन वन ए वन इसी तरह से यदि हम बी वन ही रिफ्लेक्टेड वे वेव हमारा होगा तो पूू के मदद से हम निकाल सकते हैं एस वन टू तो एस वन टू होगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव बी वन बाय ए टू और यहाँ से फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी वन इक्वल टू एस वन टू और ए टू सिमिलरली बी वन ही यदि हमारा रिफ्लेक्टेड सिग्नल हो तो ए टू पोर्ट टू और पोर्ट थ्री और पोर्ट फोर के हम क्रॉस्पेंडिंगली हम एस वन वन एस वन टू एस वन थ्री और एस वन फोर कैलकुलेट कर सकते हैं और यदि बी टू की बात करें यदि बी टू की बात करें अब जो हमारे पास जो अगला पैरामीटर्स होगा वो कुछ इस तरह से होगा ये एस टू वन इसके मत, इसका मतलब क्या हुआ पोर्ट टू के पोर्ट टू के जो रिफ्लेक्टेड वे हैं वो पोर्ट टू के जो रिफ्लेक्टेड वेव हैं वो बाय इंसिडेंट वेव जितने भी पोर्ट्स हैं सबके इंसिडेंट वेव को लेना है हमें जैसे कि ए वन एक बार लिया मैंने फिर बी टू बाय ए टू लिया फिर बी टू बाय ए थ्री लिया फिर बी टू बाय ए फोर लिया इस तरह से बी वन के एक इक्वेशंस बनेंगे B2 के एक इक्वेशन बनेंगे और B3 के एक इक्वेशन बनेंगे B4 के इक्वेशन में जैसा कि हम लोग आगे के भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखेंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये हम देख सकते हैं इजीली यहाँ पर जैसे कि बी वन यदि मुझे कैलकुलेट करना है तो बी वन में जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हमारा बी वन का जो कैलकुलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा बी वन इक्वल टू एस वन वन पोर्ट वन की बात करें पोर्ट वन में रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें पोर्ट वन में रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें रिफ्लेक्टेड सिग्नल की बात करें तो एस वन वन ए वन प्लस एस वन टू ए टू प्लस एस वन थ्री ए थ्री प्लस एस वन फोर और ए फोर तो सिमिलरली इस तरह से फोर इक्वेशन को डिराइव किया था फोर इक्वेशन को इस मैट्रिक्स मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हम ला सकते हैं और यहाँ से हम B1, B2, B3 और B4 कैलकुलेट कर सकते हैं जब सारे इक्वेशन को मर्ज किया जाता है तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स मिलता है आप इस मैट्रिक्स को दे सकते हैं ये B1, B2, B3, B4 जहाँ पर हमारे पास स्कैटरिंग मैट्रिक्स है हमारे पास S मैट्रिक्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्टेड कॉपी होते हैं और जो इंसिडेंट सिग्नल था हमारा ए वन ए टू ए थ्री ए फोर वो मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है स्केटरिंग मैट्रिक्स के